दोस्तों, हम लोग बाटिया सेक रहे हैं और ये बाटिया किस पर सेक रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गोबर से कंडे बनते हैं उन कंडों के आज पर ये बाटिया सेक रहे हैं। और आज ये दाल बाटी बनाने का प्रोग्राम कैसे फिक्स हुआ है, क्या वजह है, ये पूरा आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में और यूट्यूब चैनल में। मैं आपको पूरा इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें। अगर लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर में स्थित जोगनी माता के स्थान पर। ये जोगनी माता का स्थान चंबल नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों, लगभग हमारे सभी फैमिली मेम्बर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं जोगनी माता के स्थान पर पूजा करने। और ये पूजा आज हम क्यों करने जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये कारण है कि जब COVID-19 हुआ था तब मेरी सिस्टर को कोविड हो गया था, तब मेरे बड़े भाई साहब विनोद जी ने एक मन्नत मांगी थी कि जल्दी इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो हम यहाँ पर आके पूजा करेंगे। तो वही पूजा आज हम करने जा रहे हैं। ये मेरी सिस्टर जो आपको ब्लू साड़ी में ये दोनों दिख रहे हैं, सिस्टर और जमा जमा जी, ये दोनों, ये हमारे मामा जी जा रहे हैं और ये पीछे मेरे बुआ जी और उनके लड़के संवत ये हैं। तो हम सब जा रहे हैं उधर की मंदिर की ओर। हमने लगभग सब सामान ले लिया है और ये मालाएं कुछ लेनी थी ये ले ली और अब बस हम यहाँ से अब मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो देखिए और आगे। गाइस, हम जा रहे हैं माता जी की ओर। ये जो रास्ते में देख रहे हैं, हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ विजय जी, हमारे बड़े भाई साहब और हमारे पीछे की मानता है, पीछे हमारी सिस्टर पुष्पा और हमारे ये छोटे उस्ताद साज और ये रंजन। ये हम यहाँ पे माता जी की जो पूजा थी वो हम जा रहे हैं और ये मुर्गा हम छोड़ने जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो रास्ता दिख रहा है ये माता जी के मंदिर तक जाने के लिए हैं। माता जी नदी में है इसलिए ये रास्ता बना गए हैं। और ये है वो माता जी का स्थान जोगनी माता, जो जहाँ पर हमने मन्नत मांगी हुई थी और यहाँ पर पूजा करने आए हैं। आपको दिख रहा है ये पास में नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे पे मंदिर है, दोनों साइड मंदिर हैं, दोनों तरफ माता जी हैं। ये मेरे भैया और मन्नत जो मांगी थी उसमें जिंदा मुर्गा छोड़ना है। हम भी नहीं चाहते कि किसी जानवर की हत्या हो, इसलिए मुर्गा को जिंदा छोड़ने की मन्नत हमने ली है। हम और ये मुर्गा हम यहाँ पे छोड़ना है, ये मुर्गे की पूजा करके हम इसको छोड़ देंगे। ये विजय जी है हमारे दामा जी और वो मेरी सिस्टर, दोनों के लिए जो मन्नत मांगी थी हमारे भैया ने, तो आज हम इस मुर्गा को पूज के छोड़ देंगे। ये हमारा मन्नत है। और ये कोविड में इनको कोविड हो गया था, उसकी वजह से इनके स्वास्थ्य के लिए हमने मन्नत मांगी थी, तो ये आज इनकी दया से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। ये पूजा हो रही है, ये सब सामान इनको दे दिया है, ये पूजा कर रहे हैं। कोविड में प्रॉपर दिख ही रहा है, काफ़ी अच्छा स्थान है ये, चमत्कारी स्थान भी है और काफ़ी पब्लिक आती देख ही रहा होगा आपको वीडियो में कितनी पब्लिक आई हुई है यहाँ पर। और ये चंबल नदी है, चंबल नदी है, ये दोनों तरफ माता जी हैं। और बारिश के दिनों में पानी ज़्यादा होने की वजह से अलग अलग गाँव के लोग अलग अलग जगह पर दर्शन करके चले जाते हैं। काफ़ी बड़ी नदी है, इसमें पानी ज़्यादा रहता है, इसलिए दोनों मतलब उधर के लोग इधर नहीं आ सकते और इधर की इधर ही रहते हैं, इसलिए दोनों तरफ इनका स्थान है। तो ये है जोगनी माता जी, जोगनी माता जिला मंदसौर और जिला आलोट रतलाम में भी आते हैं ये स्थान। दोनों तरफ दोनों जिलों में डिवाइड किया गया है, तो इन लोगों ने दोनों तरफ मंदिर बना दिए हैं। और ये हमारे भैया भाई पूजा हो गई है, बस अब इसके बाद हम बाकी जो प्रोसेस है वो पूरी करेंगे। और ये मंदिर के पास की जो जगह है बस यहाँ पे अगरबत्ती वहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं कि वहाँ पे। और ये
भी माता जी हैं, ये बाव जी हैं, क्या बोलते हैं, भैरव बाव जी हैं, ये इनकी भी पूजा कर ही रहे, माला चढ़ा के इनको, जो क्या इन भैरव बाव जी को क्या चढ़ता है दारू, वो चढ़ा दिया है। उसके बाद पूजा करने के बाद इन सबके तिलक निकाल के ये मेरी सिस्टर सबको तिलक लगाते हुए, और लगभग पूजा हो गई है, बस अब लास्ट प्रोसेस बचा है। अभी तिलक लगाने के बाद जो कपड़े का रहता है, ये प्रांजल हमारी गुड़िया, ये भी बोल रही है हमारे भी टिक्की लगाओ, ये मेरे बुआ जी, ये मेरे मामा जी, और ये जो ड्राइवर साहब, हमने जो गाड़ी की, और ये लास्ट प्रोसेस बची है कपड़े की, तो इनके लिए कपड़े किए थे, तो कपड़े इनको पहना रहे हैं। इनका तिलक करने के बाद जो ये टावेल और जो साफा रहता है, साफा बंधा रहे हैं, और ये प्रोसेस प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस विधि जो प्रथा है वो पूरा किया, और हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही हम दुआ करते हैं, भगवान हम उनको खुश रखे। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग मन्नतें मांगते हैं, और इनकी मन्नतें पूरी हो जाती तो उसके बाद ये इस प्रकार के प्रोग्राम यहाँ पे लोग रखते हैं। बहुत सारे लोग बकरों की बलियाँ देते हैं, लेकिन हम उचित नहीं समझते हैं कि किसी की जीव हत्या करना, इसलिए आज हमने सिर्फ मुर्गा को पूछ के उसको जिंदा छोड़ दिया है। सबके अलग अलग सोच है। ये मेरे मामा जी, अभी इनकी भी फिलहाल तबीयत थोड़ी खराबी चल रही है, इसलिए थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। मेरे मौसी, मेरी मम्मी, भाभी, मेरे भाई, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये समरज जी, मेरे बुआ जी की लड़कियाँ, काफ़ी अच्छा स्थान है यहाँ पे, और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि नदी के किनारे बना हुआ है, मस्त पानी भरा हुआ है, आराम से नहाओ धो जब चाहो जितना। और ये कपड़े और इनको जो भी पैसे देने थे, देने के बाद इन्होंने फिर वापस एक बार मंदिर में आ रहे हैं कि कपड़े वपड़े की प्रार्थना के बाद मंदिर में वापस धोग देने आए हैं कि हमेशा खुश रहो, ये आशीर्वाद। और इसी बीच में यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगे हैं, वीडियो में दिख रहा होगा आपको कितनी हवा चल रही है यहाँ पर, मैंने उसका वॉइस बंद कर रखा है, इस वजह से आपको पता नहीं चला, लेकिन काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी थी जिसकी वजह से बारिश आ गई थी यहाँ पर। और देखो, आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कितनी तेज़ हवा चलने लगी है, देखिए, और यहाँ पे बारिश भी हो गई, देखो लोग कैसे भाग रहे हैं यहाँ पर, और पास में जो छोटी मोटी दुकानें थी वो उड़ गई हैं, ये कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है यहाँ पर, जो छोटी दुकानें और उसके बाद हमने भोजन किया और इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक माता जी का पूजन करके फिर हमने भोजन किया और ये खूब इंजॉय किया बारिश के साथ। ब्लॉग कैसा लगा है? ब्लॉग दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा ब्लॉग, और कैसा लगा हमारे चैनल पे जो वीडियो हमेशा मैं अपलोड करता हूँ उसका फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप कमेंट और लाइक करते तो मेरा हौसला और भी बढ़ेगा और वीडियो अच्छे बनाने में और भी मेरे को सहायता मिलेगी, हेल्प होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।